दोस्तों इंस्टाग्राम पे अकाउंट कैसे बनाने हैं डिटेल में बात करेंगे, प्रोफेशनल क्रिएटर बिजनेस सभी चीज़ के बारे में, वैसे पैसे कैसे कमाने हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे साथ साथ फ्री में बने रहना, हमारा मेन मोटिव है इंस्टाग्राम से पैसे कमाने हैं, डिटेल में बताऊंगा ताकि आप क्लियर हो सको। वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्य, आप सभी का स्वागत है मेरे रूपनल टेक्निकल फर्स्ट पोस्ट में। सीधे प्रॉपर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे अकाउंट कैसे बनाने हैं, प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च कर लीजिए इंस्टाग्राम। अगर आपके फ़ोन में पहले से इंस्टाग्राम ऐप इंस्टॉल है, एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिए अपडेट है या पर नहीं है। अगर अपडेट नहीं होगा अपडेट कर लेना है, जिससे आपको और बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन ला सको। अगर आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए। फिर इंस्टाग्राम ओपन करना है, ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पर नीचे देखिए क्रिएट न्यू अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करना है और ये आपसे एक मोबाइल नंबर पूछेगा। मैं आपको चलिए स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर नीचे देखिए ये वाला इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला पेज आएगा। तो यहाँ पर अगर आपका पहले से अकाउंट है, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए। नीचे देखिए ऑप्शन है क्रिएट न्यू अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे ये आपसे एक मोबाइल नंबर पूछेगा, जिससे आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करोगे। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है, यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करके आपको नेक्स्ट करना है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, साइन अप विथ ईमेल, आप ईमेल आईडी से भी अकाउंट बना सकती हो। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है, यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करके यहाँ से कर लीजिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं नंबर एंटर करके नेक्स्ट करके आपको दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर देखिए अगर आपके उस नंबर पर पहले से इंस्टाग्राम अकाउंट होगा तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा लॉग इन इंटू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। अगर आप उस नंबर से और एक नया अकाउंट बनाना चाहती हो, नीचे ऑप्शन है क्रिएट न्यू अकाउंट, यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे कन्फर्म योर मोबाइल नंबर, फिर नीचे यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर व्हाट्सएप से एक कोड रिसीव होगा या फिर आप SMS से कोड लेना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर SMS कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर सेंड कोड, इसके ऊपर क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपसे ये कहेगा यहाँ पर एक पासवर्ड सेट कर लीजिए। सो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, यहाँ पर एक आसान सा पासवर्ड सेट कर लीजिए। अगर आप चाहो बाद में यह पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ से करना है नेक्स्ट। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करोगे फिर यहाँ पर एक सेव योर लॉगिन इन्फो, और यहाँ से आपको इसे सेव करना है ताकि ये लॉगिन इन्फो ये डिवाइस में सेव हो जाए। तो यहाँ से कीजिए सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर 14 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कर लेना है। फिर यहाँ पर सेट कीजिए, फिर यहाँ से करना है नेक्स्ट। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करोगे यह आपसे पूछेगा नेम, तो यहाँ पर फुल नेम अपना दे सकती हो या फिर जो भी आप रखना चाहो। सो एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं अभी के लिए कर लेता हूँ इसे सत्य। फिर यहाँ से करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये यूज़र नेम आएगा, ये अप्रिशिएट हो जाएगा, यूज़र नेम पहले से सेट होगा। अगर आप ये यूज़र नेम चेंज करना चाहते हो यहाँ पर क्लिक करना है, और जो भी आप यूज़र नेम यहाँ पर करना चाहती हो वो कर लीजिए। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ अभी के लिए 2323, और चेक कर लेते हैं ये यूज़र नेम है या फिर नहीं है। ये यूज़र नेम नहीं है, आपको यहाँ पर रिकमेंड होगा यूज़र नेम कुछ, ठीक है। और एक चेक कर लेते हैं ये है कि नहीं, ये वाला है। यहाँ पर ये ग्रीन कलर में टिक मार्क आ चुका है। फिर यहाँ से करना है नेक्स्ट। जैसा आप यहाँ से नेक्स्ट करोगे नीचे यहाँ पर लिखिए आई एग्री, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए ऐड ए प्रोफाइल पिक्चर, और यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर सेट करने के लिए नीचे ऑप्शन है ऐड पिक्चर, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे डायरेक्ट फोटो क्लिक करके भी प्रोफाइल पिक्चर सेट कर सकती हो। अगर आप गैलरी से फोटो सेलेक्ट करना चाहते हो चूज़ फ्रॉम गैलरी, यहाँ पर क्लिक कीजिए और गैलरी से फोटो सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर गैलरी से ये फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फोटो सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर देखिए ऑल्सो शेयर दिस पिक्चर एज ए पोस्ट। जो आप प्रोफाइल पिक्चर सेट करोगे उसे अगर आप चाहते हो अपने इंस्टाग्राम में पहला पोस्ट भी करना, तो ये सेटिंग आपको यहाँ से ऑन करना है। फिर यहाँ से कीजिए डन। जैसे आप यहाँ पर डन करोगे ये प्रोफाइल पिक्चर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये सेट हो चुका है, और ये देखिए वेलकम, यहाँ पर इंस्टाग्राम, नीचे ये यूज़र नेम है।
फिर यहाँ पर लिखिए सिंग योर कॉन्टेक्ट टू फाइंड योर फ्रेंड। अगर आपके जो भी कॉन्टेक्ट नंबर से उस पर अगर आपके फ्रेंड के भी अकाउंट होंगे वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, अगर आप चाहो ऐसे सिंग कर सकते हो। फिलहाल इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ स्किप। जैसे आप स्किप करोगे, अगर आपका फेसबुक अकाउंट है फेसबुक से भी आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो, लॉगिन यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इसे यहाँ से कर लेते हैं स्किप। तो यहाँ से कर लेते हैं, फिर स्किप करना है और यहाँ पर लिखिए ये प्रोफाइल आप शेयर भी कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ से फिर करना है इसे स्किप। इसके बाद में आप ये चेक कर सकते हो, अगर आप चाहो इन्हें फॉलो भी कर सकते हो डिस्कवर पीपल्स के अंदर। सो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर देखिए अकाउंट बन चुका है और इसका जो लॉगिन डिटेल है वो फ़ोन में सेव भी हो चुका है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकती हो प्रोफाइल यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। फिर इसे प्रोफेशनल अकाउंट में क्रिएट करने के लिए, स्विच करने के लिए आपको यहाँ पर ये थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना। अगर आप चाहो यहाँ पर थ्रेड अकाउंट भी बना सकते हो, ठीक है, इसी अकाउंट से बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी यहाँ पर आइए और यहाँ पर ये देखिए नाउ इन अकाउंट सेंटर, और यहाँ से आपको इसे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर नीचे आओगे, जैसे आप नीचे आओगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फॉर प्रोफेशनल अकाउंट टाइप एंड कंट्रोल्स यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये देखिए गेट ए प्रोफेशनल टूल्स, यहाँ से कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू करना है, फिर कंटिन्यू कीजिए और यहाँ पर आपको एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ यहाँ से वीडियो क्रिएटर। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर कैटेगरी करना है अपना कर सकते हो। मैं डिजिटल क्रिएटर कर लेता हूँ और यहाँ से डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल ये भी सेटिंग ऑन करना है, फिर यहाँ से करना है डन। जैसे आप यहाँ से डन करोगे ये 30 सेकंड यहाँ पर लोडिंग में लगेगा, ये आपके प्रोफाइल में ये टैग दिखाई भी देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने डिजिटल क्रिएटर किया है, फिर यहाँ से क्रिएटर आपको ये सिलेक्ट करना ताकि ये ज़्यादा रिकमेंड में जाता है। अगर आप बिजनेस अकाउंट करना चाहो यहाँ से बिजनेस भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसे मैं फिलहाल क्रिएटर रखता हूँ। फिर यहाँ से नेक्स्ट और यहाँ से करना है ओके। और अगर आपका फेसबुक में अकाउंट है यहाँ से फेसबुक भी लिंक कर सकते हो। फिलहाल इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ नॉट नाउ। और यहाँ पर देखिए प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ग्रो योर ऑडियंस और ये सारे इन्फॉर्मेशन है। सो यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं और अभी अगर मैं एक बार इसे रिफ्रेश करके आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड और ये देख सकते हो ये प्रोफेशनल क्रिएटर अकाउंट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर ये थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में आएंगे और इसके अंदर देखिए क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए मोनेटाइजेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करोगे, ये देखिए ये भी हो जाएगा एनेबल। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर यू आर करेंटली अनेबल टू मोनेटाइज क्योंकि यहाँ पर हमने एक भी कंटेंट शेयर नहीं किया है। ये करने के बाद आपको यहाँ से आना है, वापस से होम में आइए, फिर यह प्लस आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, ये परमिशन अलाउ करना है, ये सारे परमिशन अलाउ कीजिए और इस तरीके से आपको यहाँ से पोस्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ से नेक्स्ट करके आप इसे अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हो, रील शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो हो गया, ये सब कुछ यहाँ पर हो चुका है। फिर यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ से आप डिटेल एनालाइज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर टोटल फॉलोअर्स के ऊपर आओगे, डे वाइज आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो और यहाँ से अकाउंट एंगेजमेंट आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर रेगुलर काम करोगे ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिटेल एनालाइज में देखने को मिल जाएगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर। जैसे यहाँ पर एक बार आप कंटेंट शेयर करना करोगे फिर आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेंगे, गिफ्ट ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स आपको प्रोसेस मिलेंगे जैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो। तो मैंने आपको डिटेल में आखिर तक का प्रोसेस बता दिया कैसे इंस्टाग्राम के अंदर अकाउंट बनाना है और कैसे आप पैसे कमाओगे। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।